गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यार कैसे हो, आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ यूनिक हैरी पॉटर वॉलपेपर एडिटिंग। भाई हैरी पॉटर किसे पसंद नहीं है, है ना। हम सबको याद है कि हैरी पॉटर सीरीज कितना खतरनाक और मतलब कितना रोमांचक भरा था। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना खुद के इमेज के साथ हम हैरी पॉटर का एक वॉलपेपर बनाएं। सो गाइस, आज हम हैरी पॉटर का वॉलपेपर बनाएंगे विद ओन इमेज, मतलब हमारे खुद के इमेज के साथ। सो गाइस, वीडियो काफी ऑसम और फारू होने वाली है, तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना बिना स्किप किए। अगर स्किप कर दोगे तो तुम सब कुछ खोदोगे यार, प्लीज। तो बिना स्किप किए एंड तक देखना। मैं इसके लिए इस इमेज को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इस इमेज से मैंने पहले भी बहुत सारा एडिटिंग किया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जोर से जाके देखना, गॉडजिला एडिटिंग, उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी पोस्टर एडिटिंग, तो मैंने ये सब किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जोर से जाके देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन। देन ओके गाइस, तो चलो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं और भाई देखते हैं कि मैंने क्या एडिट किया है। लेकिन अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हो, देन लेट मी टेल यू वन थिंग, इस चैनल पे हम रियलिस्टिक ही नहीं अनबिलीवेबल रियलिस्टिक फोटो एडिटिंग करते हैं, वो भी हिंदी में और फ्री में। तो प्लीज जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। एंड गाइस, माय नेम इज दबा एंड वेलकम टू माय चैनल किंग दबा एडिट। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ब्लडी रोलिंग दैट इंट्रो। देन ओके गाइस, तो कहानी हमारी यहां से स्टार्ट होती है। कहानी अब तक, एक साल की उम्र में अनाथ हुए हैरी पॉटर को। देन ओके गाइस, तो कहानी हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो कि यहाँ से इस लॉक को तुम ऐसे अनलॉक कर लो, ठीक है। देन अभी क्या करो कि कंट्रोल प्लस टी दबाओ, देन राइट क्लिक, देन इसको तुम फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लो, क्योंकि इस जगह पे ज्यादा स्पेस नहीं है, यहाँ पर ज्यादा स्पेस है। तो अभी क्या करो कि इन जगह को तुम ऐसे फेड आउट कर दो, ठीक है। इस जगह को तुम ऐसे फेड आउट कर दो। तो गाइस अभी क्या करो कि इस क्लाउड इमेज को तुम बैकग्राउंड में सेट कर लो। तो गाइस अभी इस स्काई के कलर को अपन को मैच करना पड़ेगा, है ना। तो देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ ग्रीनिश कुछ टोन है, ठीक है। तो वो अपन को यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक कलर बैलेंस ओपन करो, देन इसको तुम हल्का सा ऐसे ग्रीनिश बना दो एंड थोड़ा हल्का सा येलोइश। देन तुम ये हल्का सा कर्व्स यूज करके इसको तुम ब्राइट कर दो। देन मैं ये हल्का सा वाइब्रेंस ऐड कर दूंगा, ठीक है। और मेरे को हल्का सा ऐड नॉइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली नॉइज है ना। देन या देन इसको ओके कर दो। देन गाइस देख सकते हो, इट्स लॉट बेटर। तो गाइस अभी क्या करो कि इस मून को तुम यहाँ पर सेट कर लो। इस मून का इमेज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं सभी इमेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजिली डाउनलोड कर लेना। देन इसके साइज को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, देन हिट एंटर। ऑलराइट, तो अभी क्या करो कि इसके एजेस को तुम ऐसे हल्का हल्का ऐसे फेड आउट कर दो, ठीक है, जिससे कि ये प्रॉपर आसमान में ब्लेंड हो जाए। स्काई में प्रॉपर ब्लेंड हो जाए, स्काई शुद्ध हिंदी बोल दिया मैंने थोड़ा सा। देन या गाइस इट्स ओके। तो अभी क्या करो कि एक एक्सपोजर लेयर ओपन करो, देन इसको तुम हल्का सा ऐसे ब्राइट कर दो, ठीक है। देन इसको इन्वर्ट कर दो कंट्रोल प्लस आई दबा के। तो अभी ब्रश टूल से मेक श्योर कि फोरग्राउंड कलर इज व्हाइट एंड द ओपेसिटी इज डिक्रीज, ठीक है। मैं 50% ले रहा हूँ। देन इसको तुम हल्का हल्का ऐसे ग्लो अप कर दो, ठीक है। ये क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये ग्लो अप हो जाएगा। देन का जगह एक एक्सपोजर लेयर बनाओ, देन इसको तुम ऐसे ब्राइट कर दो, ठीक है। देन इसको तुम इन्वर्ट कर दो कंट्रोल प्लस आई दबा के अगेन। देन तुम ये ब्रश टूल लो, अगेन मेक श्योर कि फोरग्राउंड कलर इज व्हाइट एंड द ओपेसिटी इज डिक्रीज, ठीक है। देन तुम ये ब्रश टूल से हल्का हल्का ऐसे ग्लो अप कर दो, ठीक है। ये ऐसे ग्लो अप हो जाएगा। ऑलराइट, देन ओके गाइस, तो यहाँ का काम हमारा खत्म, ठीक है। देन ओके गाइस, तो अभी अपन को हरमाइनी का सिलेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये ब्रश टूल से सिलेक्शन बना लेता हूँ। देन गाइज मेक सिलेक्शन। सो गाइज अभी फिल्टर पे जाएंगे, उसके बाद हम रिफाइनेंस करेंगे, ठीक है, और हेयर को फिक्स कर लेंगे। इसको मैं ब्लैक सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ब्लैक मेरा फेवरेट है। देन गाइज इसको तुम अप्लाई लेयर मास्क कर दो, ठीक है। सो गाइज अभी हरमाइनी को तुम यहाँ पर ड्रैग कर दो, देन इसका पोजिशन तुम फिक्स कर लो, ठीक है। देन गाइज मैंने यहाँ पर खुद के इमेज को मैंने ड्रैग कर दिया, अभी इसका पोजिशन मेरे को फिक्स करना पड़ेगा। और मेरे पास ये मेरे कॉलेज का यूनिफॉर्म था, ठीक है, मतलब मेरे पास सुविधा नहीं है वैसे, मतलब व्हाइट और मतलब ऐसे टाई करने का, छोड़ो यार। तो इसके पोजीशन को हम फिक्स कर लेते हैं, और इस मून को मैं हल्का सा यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा, और इस हॉगवर्ट्स को मैं ये हल्का सा ऐसे ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। देन ओके, पर लेकिन गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा ये जगह कट हो चुका है, ठीक है। तो इसको अपन को फिलअप करना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं लासो टूल से इसी जगह का मैं कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस जे। देन या ओके, देन गाइस इन जगह को मैं हल्का हल्का फेड आउट कर दूंगा, जिससे कि ये प्रॉपर ब्लेंड हो जाए। इसको मैं हल्का सा और एडजस्ट कर लूंगा पेन टूल से।
देन मैं इसको इरेज कर दूंगा। इसको मेरे को हल्का सा क्रॉप करना पड़ेगा ऑब्वियसली। सो गाइस अभी क्या करो कि मर्ज टूल से हमारे हेयर को तुम ऐसे हल्का हल्का ऐसे एनहांस कर दो, ठीक है। देन ओके गाइस, तो अभी बारी आती है कलर मैचिंग की, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तुम्हारे भाभी को हाइड कर दो, मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियसली मत लो। देन ऑल राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्राइटनेस मैच करेंगे मेरे खुद के इमेज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली हम ब्राइटनेस मैच करेंगे, आप सबको पता ही है। तो मैं ये कर्व्स लेयर से ब्राइटनेस मैच करूंगा, इसको यहाँ पर क्लिप कर लूंगा जिससे कि ये ओनली मेरे ऊपर ही ऐसे इफेक्ट करे, ठीक है। तो इसको मैं हल्का सा डिक्रीज करूंगा, ऑब्वियसली नाइट का सीन है। कॉन्ट्रास्ट को मैं हल्का सा बढ़ाऊंगा, ठीक है। देन या इट्स परफेक्ट। देन मैं ये एक्सपोजर लेयर से इसके ओवरऑल ब्राइटनेस को डिक्रीज कर दूंगा। एंड देन गाइस मैं ह्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर से इसके कलर इंटेंसिटी को डिक्रीज कर दूंगा, ठीक है। इसके कलर को मैं हल्का सा डिक्रीज कर दूंगा, और यहाँ का भी मेरे को डिक्रीज करना पड़ेगा, और इन जगह का भी, है ना। देन गाइस मैं ये लेवल्स ओपन करके इसके कॉन्ट्रास्ट को मैं हल्का सा डिक्रीज करूंगा। देन गाइस मैं ये हल्का सा वाइब्रेंस सेट कर दूंगा। अगर आपको नहीं पता कि प्रॉपर कलर मैचिंग कैसे करते हैं तो मेरे भाई ऑलरेडी वीडियो है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको हाईली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उस वीडियो को देखने के लिए। देन ओके गाइस, आई थिंक इट्स परफेक्ट, देख सकते हो हमारा कलर मैचिंग प्रॉपर हो चुका है। सो अभी मैं क्या करूंगा कि हल्का सा यूनिवर्सल कलर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड में देख सकते हो कि थोड़ा ग्रीनिश है, तो इस फेस के ऊपर भी मैं हल्का सा ग्रीनिश टोन ऐड कर दूंगा, ग्रीनिश और थोड़ा हल्का सा येलोइश। देन ओके दैट्स परफेक्ट। तो अभी बारी आती है तुम्हारे भाभी की। देन ऑल राइट, तो अभी हरमाइनी के कलर मैचिंग की बारी आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ब्राइटनेस मैच करेंगे ना, ऑब्वियसली। इसको मैं क्लिप कर लूंगा, डार्क करना पड़ेगा ऑब्वियसली, वी हैव टू मेक इट डार्क, वेरी डार्क, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना पड़ेगा। देन मैं ये एक्सपोजर लेयर से इसके ओवरऑल ब्राइटनेस को मैं डिक्रीज कर दूंगा। देन आई विल यूज लेवल्स फॉर डिक्रीज द हाइलाइट्स। देन गाइस ह्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर से मैं इसके कुछ कलर को डिक्रीज कर दूंगा ऑब्वियसली, है ना। एंड देन गाइस मैं ये वाइब्रेंस सेट कर दूंगा हल्का सा। एंड देन मैं ये हल्का सा कलर बैलेंस यूज करूंगा, थोड़ा सा और थोड़ा सा हल्का सा येलोइश। देन ओके गाइस, तो अभी मैं क्या करूंगा कि बैकग्राउंड में भी हल्का सा ग्रीनिश टोन ऐड कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि ये प्रॉपर मैच हो जाए। देन या गाइस आई थिंक इट्स लॉट बेटर। देन ओके गाइस, तो ध्यान दो, ठीक है, अगर बैकग्राउंड से ये जो मून है, ठीक है, मून से अगर लाइट आ रहा है तो ये एरिया और ये एरिया हाईलाइटेड होना चाहिए, ठीक है। तो अब उनको भी हाईलाइटेड करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक्सपोजर लेयर ओपन करो, देन इसको तुम ऐसे बढ़ा दो, देन इसको तुम क्लिप कर लो, देन इसको तुम ये हल्का सा ऐसे ब्लेंडिफ कर लो, ठीक है। देन गाइस इसको तुम इन्वर्ट कर दो कंट्रोल प्लस है दबा के। देन ये तुम ये ब्रश टूल लो और फिर धीरे धीरे ऐसे हाईलाइटेड कर दो, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। देन या गाइस देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। इसके ऑपोजिट को मैं हल्का सा डिक्रीज कर दूंगा। देन गाइस सेम मेथड तुम मेरे ऊपर भी अप्लाई करो। तो इसके लिए एक्सपोजर लेयर ओपन करो, देन इसको तुम ऐसे बढ़ा दो अगेन, देन इसको तुम क्लिप कर लो जिससे कि ये मेरे ऊपर ही इफेक्ट करे, देन ब्लेंडिफ कर लो, देन इसके इन्वर्ट कर दो कंट्रोल प्लस आई दबा के। ऑल राइट, देन अगेन तुम ये ब्रश टूल से ऐसे हाईलाइट कर दो। फ्रंट में भी हल्का हल्का मैं ऐड कर दूंगा। देन ओके गाइस, तो अभी एक और एक्सपोजर लेयर ओपन करो, देन इसको तुम ऐसे ब्राइट कर दो, देन इसको इन्वर्ट कर दो, देन ये ब्रश टूल से तुम ये ओवरऑल ग्लो ऐड कर दो, ठीक है। इसको ऑपेसिटी को मैं हल्का सा डिक्रीज कर दूंगा। एंड या इट्स परफेक्ट बिफोर एंड आफ्टर। ऑल राइट, देन गाइस बैकग्राउंड में एक सॉलिड कलर बना व्हाइट कलर का, देन इसको इन्वर्ट कर दो अगेन, देन तुम ये ब्रश टूल से बैकग्राउंड में हल्का सा ऐसे हेज ऐड कर दो, ठीक है, हेज। इसको मैं हल्का सा क्रॉप कर लूंगा। सो अभी बैकग्राउंड में एक और सॉलिड कलर बना व्हाइट कलर का, देन इसको इन्वर्ट कर दो। तो अभी क्या करो कि बैकग्राउंड में हल्का हल्का ऐसे स्मोक ऐड कर दो, ठीक है, स्मोक। इसका ऑपेसिटी को तुम डिक्रीज कर दो। देन गाइस एक और सॉलिड कलर बना व्हाइट कलर का मेरे और हरमाइनी के बीच में, देन अगेन इसको तुम इन्वर्ट कर दो, देन ये बीच में तुम ऐसे हल्का हल्का स्मोक ऐड कर दो। देन गाइस एक और सॉलिड कलर बना व्हाइट कलर का है, साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। इस बार फ्रंट में, ठीक है, देन अगेन इसको इन्वर्ट कर दो, देन तुम ये फ्रंट में ऐसे हल्का हल्का स्मोक ऐड कर दो। सो अभी मैं क्या करूंगा कि बैकग्राउंड को मैं हल्का सा ब्लर कर दूंगा, ऑब्वियसली डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड करना है मुझे, तो मैं इसको ब्लर कर दूंगा अराउंड 5 पे मैं इसको ब्लर कर दूंगा, ठीक है। देन ओके, सो गाइस अभी क्या करो कि बैकग्राउंड में एक्सपोजर लेयर से इसको तुम ग्लो अप कर दो, देन इसको इन्वर्ट कर दो, बिहाइंड में ऐसे ऐड कर दो, ठीक है, बिहाइंड। देन इसको ऑपोसिटी को मैं डिक्रीज कर दूंगा। बैकग्राउंड में एक और एक्सपोजर लेयर ओपन करके इसको तुम बढ़ा दो, देन इसको इन्वर्ट कर दो, देन तुम ये इस साइड में ऐसे हल्का हल्का ऐसे ग्लो ऐड कर दो, ठीक है। सो भी क्या करो कि एक एक्सपोजर लेयर ओपन करो मेरे ऊपर, देन इसको तुम बढ़ा दो, देन इसको यहाँ पर ये ऐसे क्लिप करके इसको तुम ब्लेंड कर लो, देन इसको ओके, देन इन्वर्ट दिस, देन तुम ये ब्रश टूल से यहाँ पर मेरे आगे ऐसे ग्लो ऐड कर दो, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि गाइस ये देखो यहाँ से ग्लो आ रहा है, ठीक है, तो ये एरिया हाईलाइटेड होना चाहिए।
देन ओके गाइस, तो मैं अभी क्या करूंगा कि हल्का हल्का पार्टिकल्स ऐड कर दूंगा। पार्टिकल्स देन गाइस, यहाँ पर मैं ये हैरी पॉटर का लोगो ऐड कर दूंगा और मैं एंड देन मैं इसके ऊपर कैमरा रॉ फिल्टर यूज करूंगा और सभी स्लाइडर्स को मैं एडजस्ट करके देखूंगा जब तक मुझे बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल जाता। ऑल राइट, देन ओके गाइस, तो देख सकते हो दिस इज द बिफोर इमेज एंड दिस इज द आफ्टर इमेज। ऑल राइट, मतलब गाइस खुद ही देखो, मतलब इट्स अमेजिंग। आफ्टर सीइंग दिस रिजल्ट आई वाज शॉक्ड। तो यार मेरे भाई प्लीज, पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत सारे रियलिस्टिक फोटो एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून, टाटा मेरी जान। और हाँ, कीप एडिटिंग, बी ए किंग।